हाय फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग न्यू ब्लॉग के साथ आ चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं एलटीटी और यहाँ पे हमारा कुछ पार्सल पेंडिंग था। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ कल ही बॉम्बे आए रिटर्न, तो उनके पीछे ये गाड़ी थी जिसमें कुछ बचा कुचा लगेज रह गया, तो वो पिक करने आए हम लोग। और यहाँ इतनी धूप है ना कि बस क्या ही बताओ, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यार इतनी गर्मी नहीं होती बॉम्बे में। काले पन्ने की जरूरत नहीं, इसमें ए आई है ना, ये गोरा दिखाएगा आपको, मेरा कलर तो वैसे भी काला है, गोरा दिख रहा है। और डैडी कहाँ पर है? ऑन द वे है, तो मेरे फादर में अभी ऑन द वे ही, अभी हम बस जैसे वो आएंगे वैसे हम चले जाएंगे और फिर उसके बाद आगे वे देखते हैं। हाँ, लगेज का प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, क्या है, लगेज सेक्शन सामने ही है, वहाँ जाकर बात करनी है, ट्रेन का नंबर देना है, आपके पास रिसीप्ट होगी, रिसीप्ट देना और ले लेना है, बाकी बाद में आगे आपको आगे बताऊंगा। इन देन एंजॉय। क्या ये तो टैक्सी मिलेगी ना, ये खड़े पे तो इसमें सब आएगा क्या? तो गाइस फाइनली डैडी आ चुके और अभी हम लोग जा रहे हैं पिक करने। ये यहाँ पर है ना, आगे उधर ये एलटीटी, यहाँ से आप अंदर जाके टिकट ले सकते हो और आगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमको प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं हमारे, अरे प्रोडक्ट नहीं है सॉरी, लगेज एंड लगेज। पत्थर मार अपने सिर में, होश आ जाएगा तेरे को, अरे अरे लग जाएगा। सो गाइस जब अभी आप कभी भी आओगे ना, आपका कोई भी लगेज होगा जो आपके बाद आ रहा होगा किसी और ट्रेन में, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आना है विद प्लेटफॉर्म टिकट। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के आप एंटर नहीं कर सकते, अपने रिस्क पे कर सकते हो, 450-500 फाइन लग जाएगा, कोई नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं बहुत आगे दिखे, ये मेरे फादर इन लॉ ये आगे चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये मेरी वाइफ है जो चल नहीं पा रही, सिर्फ पानी पी पी के वेट बढ़ा रही है। तो कौन सी ट्रेन लगी है क्या? चेन डालना पड़े, नहीं होगा बंद है बताओ। अरे वो पानी का मशीन ही बंद है, नहीं चल रहा है। अरे फैन बंद है, दिखने लगे देख सकते हो, लगेज ही लगे गए आप। क्या क्या इजी लगता है, ब्लॉगिंग इजी लगता है? ये देखिए क्या बोल रही है, ब्लॉगिंग इजी है, यहाँ गर्मी से पसीना बेहाल हो गया है, ऐसा लगता है कोई भी चीज इजी नहीं होती जब तक करोगे नहीं। और मेरे फादर इन लॉ को देखिए, पहुंच गया लगता है काउंटर पे, मुश्किल है इतना जल्दी हमारा वहां पहुंचना। और आप देख सकते हो वहां लगेज ही लगेज रखा हुआ है गाइस कोने में, तो वहीं से हमें हमारा कोना से उठाना होगा। ये ट्रेन चल पड़ी, ये देखिए हम पहुंच गए गाइस, यहाँ पर इनका शेड है आगे, वो देखिए वहां पर पीछे आपको दिख रहा होगा, और इनको देखिए ये एलटीटी। देखो गाइस हालत देख रहे हो, यहाँ से कैसे जाना होगा आपको आपका पार्सल पिक करने। ये देखिए क्या पूरी तरह लोग काम कर रहे हैं, पूरी तरह मेहनत करके। ये एलटीटी की हालत देखो, कैसा कचरा भर पड़ा है यहाँ पे। और इसको देखो तो आने का नाम ही नहीं ले रही है।
जब हो गया उनका लंच ब्रेक और हमें अभी हाफ एन आवर वेट करना होगा, पता नहीं क्या करने वाले यहाँ पर। अभी हमारा पार्सल तो दिख रहा है, बस हमें एक बार उसे अप्रूव करके इसे उठा कर ले जाना है। और आप गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत लोग हैं जो देखते वीडियोस पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं जानता हूँ कंसिस्टेंसी नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत बिजी होता है शेड्यूल, बट स्टिल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर दिन हर दो से तीन दिनों में व्लॉग्स अपलोड करते रहे। हमारा एडिटर जो है वो थोड़ा सा ढीला है, आयुषी थोड़ी सी ढीली है, वो बहुत टाइम वेस्ट करती है और अभी बेबी है तो उसको मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता कि जल्द से जल्द एडिटिंग करके मुझे वीडियो अपलोड करना है। बट इसके आगे मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियोस को मैं ही एडिट करूँ, आयुषी के भरोसे ना छोड़ूँ, क्योंकि इसके भरोसे छोड़ूंगा तो वो मेरे बेबी को भी लेके आ जाएगी इसमें। तो टिल देन आप एंजॉय कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ एलटीटी का लगेज डिपार्टमेंट, यहाँ से आप कैसे आ सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया पीछे, आप रिवाइंड कर लो अगर नहीं दिखा होगा। अगर आप ट्रेन ट्रैवल भी करते हो ना तो देखो भाई, मोस्ट प्रोबेबली एसी फर्स्ट क्लास का 3 से 4 हज़ार रुपीज का किलोमीटर पर फर्स्ट, क्योंकि 5,000 है इशू, मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैंने ट्रैवल नहीं किया। तो उससे बेटर है कि आप फ्लाइट बुक करो, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट आपको मोर देन 2 डेज देना पड़ता है, 1 नाइट देना पड़ता है ट्रेन ट्रैवल में। अगर आपके साथ कोई छोटा बेबी होगा, एजेड पर्सन होगा, मेरे फादर इन लॉ मतलब एजेड तो नहीं है बट ऑन द वे है सिटीजनशिप पे, यस मोर 10 ईयर वो हो जाएगी। ब्लॉग में डिस्टर्बेंस आता है, ये कौन है, टकुस फकुस हसकुस हसको हसो, थैंक यू। तो वही बात है कि आप ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम देने से अच्छा है कि आप फ्लाइट बुक कर लो, फ्लाइट से इजीली ट्रैवल कर लो और जल्दी भी पहुंच जाओगे, कन्वीनियंट भी होगा, क्योंकि 5,000 अगर आपको वहाँ देना है और 1,000 और हो सकता है कि फ्लाइट का टिकट 6,000 हो, 7,000 हो, 1 or 2,000, मतलब आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बेवकूफ, टाइम सेविंग है। यस, तो वहाँ टाइम सेव होगा, एक फ्लाइट ट्रिप हो जाएगी, बेबी को भी मज़ा आ जाएगा, 4,000 फ्लाइट हवा में फिर मज़ेदार। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, हम आए थे 12:30 बजे करीब, अभी बज रहे हैं 3:15, आप खुद ही अंदाजे लगा लो हमें ऑलमोस्ट इधर हमें लगा रहे फिर भी 12:30 के आसपास ही आएगा। अभी अब अभी पूरी हवा निकल गई, डिहाइड्रेट हो गया मैं बिल्कुल पूरी तरह, मैंने ऑलरेडी 1 लीटर पानी भी पी लिया, फिर भी अभी घर की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ पप्पा का धूप की हालत तो देखो बाप रे, टेम्परेचर क्या है गूगल पे चेक कर लेना, पता चल जाएगा आपको बहुत हालत खराब है। और मेरा कैमरा मैन भी बहुत पुअर है, जो तो कचरे की वीडियो बना रहा है वो भी सही वीडियो। ऐसे देखो एसी मीटिंग हॉल है यहाँ पे, बहुत ही मस्त है, काफी स्पेशियस है, कम से कम 50 से 70 लोग बैठ सकते हैं आराम से एट अ टाइम, और कुछ टाइम पास आपको खाना पीना है वो भी अवेलेबल है। फाइनली हम लोग बाहर निकल रहे, आयुषी वहीं से भाग गई है चोर, बॉम्बे में बहुत ज्यादा गर्मी गाइस। अभी मैं देखिए अभी वॉक पे नहीं करूंगा, मैं चल रहा हूँ बाइक की तरफ, आंटी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी हो गई, बहुत